अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइज। माई नेम इज़ महविश कादिर, ट्रेनर ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट MS ऑफिस। सो वेलकम टू माई फर्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में आपको MS ऑफिस के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली MS ऑफिस को कब और किसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इस वीडियो में आपको MS ऑफिस के फीचर्स के बारे में, इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और इसकी वर्जन्स के बारे में A to Z डिटेल से बताया जाएगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको 1988 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और जो इसके डेवलपर थे उनका नेम था बिल गेट्स, जिन्होंने 1 अगस्त 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस करवाया। आफ्टर डैट अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस का एक ऐसा सूट है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप की अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेपरेट शीट में अपना कोई भी डाटा अपलोड कर सकते हैं। फॉर सपोज हम अपनी सैलरी शीट रेडी कर सकते हैं, मार्क्स शीट रेडी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्जन्स के बारे में बात करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 95 से लेकर माइक्रोसॉफ्ट 2016 तक की हमारे पास वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 95, माइक्रोसॉफ्ट 97, माइक्रोसॉफ्ट 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 एंड 2016 हमारे पास अब तक के लिए अवेलेबल हैं। और अगर इन सब वर्जन्स में से देखा जाए तो जो मोस्ट कॉमनली यूज की जा चुकी हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट 98, माइक्रोसॉफ्ट 2007, 2010, 2013 और 2016 वो वर्जन्स हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा यूज़ की जा चुकी हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ वर्जन्स ऐसी हैं जो आजकल के दौर में ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, जिनमें 2007 एंड 2010 ये दोनों वो वर्जन्स हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा की जाती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हमारे पास MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS वन नोट, MS पब्लिशर और MS एक्सेल शामिल हैं। और इसके अलावा ये MS ऑफिस के एलिमेंट्स भी कहलाए जाते हैं। वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर पे मुश्तमिल होता है, और जो MS एक्सेल है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और MS आउटलुक हमारे पास ईमेल क्लाइंट है, और जो MS एक्सेस है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मुश्तमिल होती है, और जो MS पब्लिशर है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप पे मुश्तमिल होती है। बाद हम इन तमाम एलिमेंट्स पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम MS वर्ड को देखते हैं। MS वर्ड हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, हम अपने लेटर्स टाइप कर सकते हैं, हम अपनी असाइनमेंट्स टाइप कर सकते हैं, इवन कि हम अपनी CV टाइप कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको कोई भी डिफरेंट स्टाइल उसको असाइन कर सकते हैं। और सेकेंडली हम देखते हैं MS एक्सेल के बारे में। तो MS एक्सेल हमारे पास एक सेल्स पे मुश्तमिल एक शीट होती है, सेपरेट शीट इसको कहते हैं। इस पे हम अपनी मार्क्स शीट रेडी कर सकते हैं, अपनी सैलरी शीट रेडी कर सकते हैं, और डेली की जो भी रिपोर्ट होती है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं। और इसी सेपरेट शीट की मदद से हम अपने डाटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड वन हम देखते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में। तो एक ऐसा प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशंस को रेडी कर सकते हैं, उनको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं और अपने डाटा को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में बेसिकली फीचर्स MS वर्ड और MS एक्सेल के ही हैं, मतलब सेम है ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यही है कि स्लाइड्स का डिफरेंस है, जिसमें हमें न्यू स्लाइड्स रेडी करनी होती हैं, और वर्ड में बेसिकली हमने अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करने होते हैं, एक्सेल में हमने अपनी शीट्स रेडी करनी होती हैं, और पावर पॉइंट में हमने बेसिकली प्रेजेंटेशंस रेडी करनी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं MS एक्सेस। MS एक्सेस थोड़ा सा एक्सेल से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम डाटा को एक एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इसमें डाटा को मैनेज करने के लिए हम क्यूरीज और फॉर्म्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं MS वन नोट के बारे में। तो ये हमारे पास फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन ईजीली टेक कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं।
बेसिकली MS वन नोट अगर देखा जाए तो किसी भी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करने के लिए यूज होता है, जैसे कि इसके नेम से ही वाज़ है कि MS वन नोट मीन्स टू नोट डाउन एनी इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम। सो इसके बाद हम देखेंगे MS आउटलुक के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंट सा है, लेकिन ये हमारे पास एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ईमेल्स को रिसीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और एट अ टाइम डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। सो लास्ट पे हम MS पब्लिशर के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास एक एंट्री लेवल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने पेज लेआउट्स को डिज़ाइन भी दे सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वी विल बी मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।